अस्सलाम वालेकुम दीदी नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आफ्ताब हॉल के हॉस्टल देखने वाले, जितने भी तीन चार हॉस्टल हैं तो सब में देखने वाले, उसके अंदर जाके रूम का तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं, लेकिन देखते हैं। सो हॉल के अंदर घुसते ही पहला हॉस्टल बनता है मैकडोनल्ड। ये है मैकडोनल्ड, और चलते मैकडोनल्ड के अंदर देखते हैं। मैकडोनल्ड हॉस्टल का है ये एंट्रेंस गेट, बड़ा वाला बंद है, छोटा ही से घुसना पड़ेगा। सो हाउ लुक लाइक, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इधर से यहाँ तक है पूरा। हर तरफ हॉस्टल है, बीच में ग्राउंड होता है एज यूजुअल, जैसे हर हॉस्टल में होता है। यहाँ पे भी है, अगर मैं यहाँ पे किसी को जानता तो हूँ नहीं कि रूम में जा सकता हूँ, तो आई थिंक सो यही है। और उधर हॉस्टल में सब अपना मौज करते हैं हॉस्टल में भाई, क्या ही मज़ा आता है भाई हॉस्टल। ये बड़ा सा पेड़ और ये सब फूल वगैरह जो भी है, ये सब हर हॉस्टल में रहता, काफ़ी खूबसूरती बढ़ा देता है हॉस्टल की। यहाँ पे ये भी है और सही है भाई। अभी चलो देख ही लेते हैं, यही सब है। और अभी देखते हैं आगे वाला हॉस्टल में क्या है। और यहाँ पे आई थिंक ग्राउंड नहीं है, कहाँ से, छोटा है हॉस्टल तो यहाँ पे ग्राउंड है नहीं, ऐसी पार्क है, बैठ सकते हैं आराम से, मस्त शाम में मज़ा आता बहुत। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जो कि हॉस्टल्स में, वो है कि यहाँ पे रात में मच्छर बहुत काटता भाई साहब। अभी तो यहाँ अच्छा लग रहा है, ये चीज़ रात में भाई ख़तरनाक मच्छर काटता है। मैं तो रहा हूँ इससे पहले एक बार ही, दो तीन दिन हॉस्टल में, तो भाई क्या ही हालत ख़राब होती है। सही है, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अभी चलते हैं अगले हॉस्टल में, देखते हैं अगला वाला कौन सा है इसके बगल में। आगे नेक्स्ट वाला है आफ्ताब हॉल, सॉरी आफ्ताब हॉस्टल। ये आफ्ताब हॉस्टल का एंट्रेंस, और यहाँ से एंट्रेंस और सीधा, ये भी आई थिंक सेम उसी के जैसा ही है जैसे मैकडोनल्ड था। ये उससे काफ़ी थोड़ा सा बेहतर है, मतलब सब कुछ मेंटेन दिख रहा है इधर पे। ये गार्डन जो भी है भाई, इसका भी टावर लगा हुआ, तो ये बिल्डिंग यहाँ स्टार्ट होती है और फिर इधर से इधर सीधा। ये क्या ही ज़बरदस्त आता है यहाँ से, हाँ एक परफेक्ट दिख रहा। शायद मैं पहली बार हॉस्टल के अंदर आया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी रूम में कोई सही है यार जान पहचान का, अमीरों के साथ ही। ये बना था 1932 पे, वहाँ लिखा हुआ सीधे आफ्ताब हॉल, सॉरी आफ्ताब हॉस्टल। और ये चीज़ हर हॉल में मिल जाएगी, मेजोरिटी में है ये। ये बड़ा बड़ा पेड़ है, इसे पता नहीं क्या होता है, ये पेड़ का कोई काम भी नहीं होता तब भी लगा होता, लेकिन अच्छा दिखता है इसलिए लगा होता। और फिर यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के फूल दिख जाएंगे एज़ यूजुअल हर हॉस्टल में जैसे होता है। हाँ काफ़ी सही दिख रहा है। और हॉस्टल पे ये यहाँ पे जो रहता होगा भाई, क्या ही मज़ा आता हो। नहीं सॉरी मैन, आई थिंक ये मस्जिद है क्या, आई डोंट नो, पता। और ये हॉस्टल है, सब मस्त अपना पढ़ लिख रहे हैं बच्चे लोग हॉस्टल के, और बस यही है, और क्या ही होता है भाई। सही लग रहा है, बस अभी चलते हैं अगले हॉस्टल में, देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये चीज़ काफ़ी बेहतर लगती है हॉस्टल में, काफ़ी खूबसूरत है हॉस्टल। सब जितने भी जाएंगे एमयू के हॉस्टल में, ऑलमोस्ट सारे अच्छे, मतलब बाहर से गार्डन वगैरह सही दिखते हैं। और ये पीछे रहा आफ्ताब हॉस्टल, सही ही है ये भी, मतलब मैकडोनल्ड जैसा ही है, एक चारों तरफ से है रूम और बीच में गार्डन, बस सीधा गेट, काफ़ी छोटा, ज़्यादा वो नहीं है लोचा इसमें। और ये आफ्ताब हॉल का ये है कि ये एक हॉल जिसे SS नॉर्थ, SS साउथ, उसी के अंदर सारे हॉस्टल हैं, लेकिन इसमें अलग अलग है सारे। आफ्ताब हॉल का गेट है वहाँ पे, और फिर बगल में मैकडोनल्ड, ये आफ्ताब, और इसके बाद और भी मुमताज है, और भी दो है, और वो उसके बगल में। तो अभी चलते हैं अगले हॉस्टल में। ये रहा मुमताज हाउस का, ये आफ्ताब हॉल का मुमताज हाउस हॉस्टल है ये, और ये मेन गेट यही है, लेकिन ये मेन गेट बंद है, लेकिन हमको या तो उस गेट से जाना पड़ेगा या फिर इस वाले से इधर है, तो चलते हैं अंदर किसी वाले गेट से, बट हाँ चलते हैं उस साइड से, इधर से जाएंगे। तो ये रहा मुमताज हाउस का कुछ डिटेल, 1904 में जो कि इसका इनोग्रेशन हुआ था, और नहीं इनोग्रेशन 1906 में हुआ था,
गवर्नर जो थे उनके द्वारा यूनाइटेड प्रोविंस के, मतलब यूपी के, पहले यूपी यूनाइटेड प्रोविंस आई। क्या मैं बता रहा हूँ, ये तो पता ही होता है सबको। यहाँ से चलते हैं अंदर, और ये सामने ये सब है नॉर्थ, एसएस नॉर्थ का पार्ट है ये सब, और बगल में वो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के बगल में मुमताज हाउस है। चल देख के आते हैं मुमताज हाउस में। अंदर घुसते ही सही है, वाई बच्ची आती है यहाँ पे गाँव में। और ये सब रहा हॉस्टल, इधर से आई थिंक काफ़ी हॉस्टल्स बंद है जो कभी, अभी तो कोविड का सीन चल रहा है, सीन तो कोविड का नहीं चल रहा है, सबको बस वो बनाया जा रहा है, समझ जाओ क्या बनाया जा रहा है, हॉस्टल के नाम पे खोला नहीं जा रहा, काफ़ी में तो सब होंगे, और जिसको मिल गया ना भाई मस्त, वो लोग अपना मौज करते हैं हॉस्टल में भाई, क्या ही मज़ा आता है। वो बीच से जाना चाहिए क्या कहीं, ये सब बड़े बड़े पेड़ हर हॉस्टल में लगे होते, सही है। और वहाँ से हॉस्टल है वो सब सीधा सीधा इधर, इधर अब साइड साइड हॉस्टल है, बीच में ग्राउंड मस्त सही दिख रहा इधर। और ये फुहारा पानी का जो कि चलता उलता है नहीं, काफ़ी दिन से मैं किसी का तो नहीं देखा चलते हुए, सो यही है। और यहाँ पे सामने क्रिकेट सब खेल रहे, वहाँ भी खेल रहे हैं कुछ भाई लोग वहाँ पे, और बस यही है वो रहा मुमताज हाउस का वो नाम लिखा हुआ वहाँ पे, सो सही है। और हर तरफ हॉस्टल ही है, हॉस्टल मिलने की कुछ गुंजाइश नहीं, अपना मैं जुगाड़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ही कर सकता हूँ भाई, लेकिन सही है साइड साइड हॉस्टल है तो मस्त, बीच में वो भाई वहाँ पे कोई पढ़ रहे हैं बैठ के, सही है बस। यहाँ पे तो यही मज़ा है भाई हॉस्टल में ना, एक बार ही मिल गया ना, लोग छोड़ते नहीं है हॉस्टल का, समझ। मैं कितने लोग को जानता हूँ ना जो कि अभी नाम नहीं चल रहा उनका, मतलब वो भाई भी शायद क्लास वगैरह कुछ कर रहे हैं अपना टेबल वेबल लगा के, तो काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो अभी क्लास नहीं कर रहे, मतलब क्लास क्या कह रहा भैया, जिनका एडमिशन अभी नहीं हो पाया या फिर नहीं, मतलब ताल्लुक रहा ये एमयू से लेकिन फिर भी रह रहे हैं, नहीं मतलब इनरोलमेंट नहीं है अभी इस साल, फिर भी लोग रह रहे हैं, काफ़ी लोग को जानता हूँ। और कितने तो वो हैं जिनका एडमिशन ही नहीं, कोई लेना देना नहीं एमयू से, अभी इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं लेकिन फिर भी रह रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार। एमयू को हॉस्टल ज़बरदस्त है भाई, यहाँ पे ये है ना, तुम एक बार कब्जा कर लिया तो छोड़ते नहीं है लोग, बस वही है, बस पॉलिटिक्स वाला सीन है यहाँ पे, होता है एक बार कोई आ गया सीट पकड़ लिया अपना तो फिर छोड़ता नहीं, यहाँ पे हॉस्टल मिल गया ना तो लोग छोड़ते नहीं भाई, फिर ही कहा समझ लो हॉस्टल यहाँ पे भाई कुछ भी पैसा नहीं लगता, एडमिशन के टाइम कुछ पैसा उसी में से लग जाता है एडमिशन के दौरान, और खाना भी सही मिलता है यहाँ पे, लेकिन क्या ही कर सकते, यही मुश्किल अभी सब जो भी लोग रह रहे हैं वो खाना खुद से बना खा रहे हैं या फिर वो अपना टिफिन से खा रहे हैं। और जब हॉस्टल खुल जाता है, जब खुला रहता था तब लोग एमयू के डाइनिंग खाते थे, वहाँ पे बहुत ही परफेक्ट खाना मिलता और कम पैसे में मिलता। अभी जो है 3000 अराउंड का टिफ़िन लोग करते हैं, 2500 से 3000 के बीच में होता है, उससे भी ज़्यादा होता है जो जिनको करना होता है, लेकिन वो सही नहीं होता है खाना, कभी उसमें मसाला तेल ज़्यादा है, कभी कुछ मतलब नहीं, मतलब हेल्थ के लिए वो सही नहीं होता। वो जो एमयू में खाना देते वो परफेक्ट होता, मतलब सब कुछ मिक्स रहता तो अच्छा होता और कम पैसे का होता, इसीलिए लोग छोड़ते नहीं हैं, यही रीज़न है। तो अभी चलते हैं, इसके बगल में एक और हॉस्टल है शायद से, वहाँ पे जाके फिर निकलते हैं अपने रूम के लिए। और धूप काफ़ी लग रही है भाई साहब, और मंथ एंड होने वाला फेब चल रहा आज, तो धूप कड़ी है अभी, बस गर्मी आ जाएगी भाई, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे अगर पैदल वैदल चलने में भाई, क्या ही है, सही है चलते हैं अभी बाहर। पोस्ट है NRSC का, और सामने वो स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर दिख नहीं रहा, वो रहा स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर, और इसी के जस्ट सामने है आफ्ताब हॉल का 4th हॉस्टल मॉरिसन कोर्ट, मॉरिसन साहब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और दिख रहा है कि नहीं, ये रहा, और ये रहा मॉरिसन कोर्ट हॉस्टल, देखते हैं अंदर जाने देते कि नहीं, काफ़ी यहाँ पे फोर्स बैठी हुई है काइंड ऑफ। और आफ्ताब हॉल का प्रोस्ट अभी दिखाते हैं प्रोस्ट, ये रहा मॉरिसन कोर्ट का एंट्रेंस, एंट्रेंस तो उधर से वहाँ पे बैठे थे इसलिए मैं बना नहीं पाया, और यहाँ पे अंदर गेट के चल, ये हॉस्टल का कॉरिडोर है, हॉस्टल है इस सब दोनों तरफ, और ये तो भाई काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई, वाह यार क्या ही ज़बरदस्त दिख रहा है ये तो। अभी 1 बज गया टाइम, और ये आई थिंक मस्जिद है ये वाली,
भी नई बन रही है, क्या काम वगैरह चल रहा है यहाँ पे। काफ़ी ब्यूटीफुल है, वाह क्या है, ये तो सही दिख रहा है बहुत हॉस्टल तो, लेकिन पुरानी बिल्डिंग आई थिंक सही है हर हॉस्टल की तरह यहाँ पे भी। और वो मस्जिद गई शायद, इससे पहले तीन हॉस्टल जो थे उसमें मस्जिद नहीं है, कहाँ से यहाँ पे बड़ी मस्जिद है खुद ही जामा मस्जिद एमयू इसी के सामने, मतलब इसी रोड पे जो है आफ्ताब हॉल से निकलते ही फिर लेफ्ट राइट में होती है, तो इसलिए यहाँ हर हॉस्टल में नहीं होती, लेकिन इस हॉस्टल में मस्जिद दिया हुआ काफ़ी बेहतर। यहाँ पे मस्जिद नमाज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑलमोस्ट सारे हॉल में है मस्जिद, और हर तरफ हॉस्टल है साइड साइड, आई थिंक सब में सेम ही दिया है सब में, मतलब बीच में चार वो पार्क है पार्क तरह से, और यहाँ पे भी वो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तभी काफ़ी बेहतर दिखेगा भाई बनने के बाद, अभी तो ये दिख रहा है तो बनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने वाला। कहाँ से इस सब में ये जो रखा हुआ है इस सब में कुछ कुछ आ जाएगा, फूल वूल लगाएंगे, बड़ा बड़ा पेड़ यहाँ पे भी। और बस अभी चलते हैं, शायद आई थिंक अब नहीं है कोई हॉस्टल इसका, सो अभी इसके सामने निकल के देखते हैं पोस्ट ऑफिस लेफ्ट हैंड में, यहाँ से निकलने के बाद लेफ्ट हैंड पोस्ट ऑफिस है, बस उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा। सो आई थिंक चार हॉस्टल, आई थिंक नहीं चार हॉस्टल है आफ्ताब हॉल का, सही है परफेक्ट, ये चार अलग अलग है, ये काफ़ी बेहतर, लेकिन ये हमको लगता ना कि ये एक ही हॉल है जिसमें अलग अलग हॉस्टल दिया हुआ, और इस और में तो सब में एक ही में, जैसे गेट से अंदर घुसे उसी के अंदर चार पांच हॉस्टल होते हैं, लेकिन इसमें अलग है सीन। तो चलते हैं अभी बाहर पोस्ट ऑफिस की तरफ, तो यहाँ से बाहर निकलते ही लेफ्ट राइट पे होती है पोस्ट ऑफिस, ये रही अपनी पोस्ट, अपनी नहीं है हमारा तो एमएम हॉल है और ये है आफ्ताब की पोस्ट ऑफिस, तो देखते हैं अगर कोई रोक दिया, सही है इस तरफ से देख लेते हैं बस हॉल की पोस्ट ऑफिस का ये है गेट अंदर से, यहाँ पे भी फूल पत्ती लगा रखे सॉरी टू से। मैंने चारों हॉस्टल कवर कर लिए, देख लिए चारों हॉस्टल में जाके, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ और साइकिल चलाते हुए, क्योंकि मैं साइकिल चार साल बाद चला रहा हूँ, दिस इज़ माई कंपल्शन, तो मजबूरी है भाई चलाना पड़ रहा है, कहाँ से पैदल जाने में तो फट जाएगी इससे ज़्यादा, तो इसीलिए साइकिल चलाना बेहतर ही होता है, ज़्यादा वो में ना रहो तो सही है। और आई थिंक बस इसके बाद सीधा रूम पे जाके अपना खाना पीना खाएंगे, और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैं ये साइकिल टेंथ में छोड़ दिया था, टेंथ के बाद मैं साइकिल चलाना छोड़ नहीं चला रहा था, मतलब सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप कॉम एंड पीस आउट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो